मैथ्स के पोल वेरिफिकेशन में मैं संदीप तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज का क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो जब मैंने भी किया तो उसका उत्तर गलत आ रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं, कि हो सकता है मेरा किया ही गलत हो, या हो सकता है कि क्वेश्चन बनाते समय कुछ वर्ड्स में मिस्टेक हो, या क्वेश्चन का आंसर क्रिएट करते समय गलती की गई हो। यही वेरिफिकेशन का पार्ट था। साथ साथ प्रश्न भी अच्छा है, प्रश्न को भी देख करके आपके मन में कन्फ्यूजन्स आएगा। मैं भी करते समय मैंने भी सोचा कि हो सकता है मैं ही गलती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर फाइनल मुझे जब सब चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मुझे लग रहा है कि मैंने गलती नहीं करी है, गलती इन्हीं से हो गई है जो इन्होंने आंसर टिक कराया है। 61% लोगों ने मेरा साथ भी दिया है। जब मैंने इसका आंसर टिक किया अपने से ऐसे वर्बली, तो 61% लोग ऑलरेडी उसी ऑप्शन को प्रेफर भी किए हैं। इसका मतलब मैं अपने आप में सही जा रहा हूँ और आप लोग भी मेरा समर्थन कर रहे हैं। अब आप चेक करिए कि क्या है गलती इस प्रश्न में। पहले तो क्वेश्चन रीड किया जाए। किसी संख्या को स्वयं में 10 बार जोड़ने पर, मतलब कोई संख्या है जैसे मान लो अगर 5 है, 10 है, जो भी है, अगर उसी को 10 बार स्वयं में जोड़ा जाए तो मान 264 हो जाता है। मतलब हम संख्या सोच रहे हैं, संख्या को स्वयं में 10 बार अगर जोड़ते तो मान 264 हो जाता है। हमसे पूछा गया वह संख्या बता दो क्या होगी। अब आप सोचिए, संख्या मान लीजिए यक्स है, यन है, जो भी मर्जी आपकी मान लीजिए। इसी संख्या को अगर मैं 10 बार लूँ, जैसे हमने कहा 5 को 10 बार लोगे तो 5 × 10 होगा 50 होगा, 10 को 10 बार लीजिए 10 × 10 होगा 100 होगा। ऐसे यक्स अगर संख्या है और स्वयं को 10 बार सोचेगा तो 10 यक्स होगा ना, 10 × 1 होगा भाई। संख्या अगर यक्स है और 10 बार जोड़ा तो यक्स 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 हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स, तो 10 यक्स हुआ। और उस संख्या को स्वयं में जोड़ा, मतलब संख्या स्वयं यह थी और उसमें उसका 10 गुना, मतलब 10 बार उसको हम जोड़ें और यह जुड़ करके 264 हो गया। एक सिंपल सा समीकरण बन रहा है और कुछ नहीं है। तो यहाँ से 11x होगा बराबर 264 होगा, और 11 से अगर हम भाग करते हैं 11 × 22, 11 × 4 = 44, तो x बराबर 24 होगा। तो कन्फर्म आंसर मेरी तरफ से 24 आया था और मैंने 24 को प्रेफर भी किया था, बट इन लोगों ने क्या किया है कि उत्तर को 22 यहाँ पर दिया है। ये देखिए 22 दिया है। आइए थोड़ा सा 22 को भी चेक करते हैं और 24 को चेक करते हैं, तो हम भी कन्फर्म कर लें कि हम सही कर रहे हैं कोई गलत सही कर रहा है। और आपने क्या उत्तर दिया था कमेंट में प्रेषित करिएगा आंसर अपने। अगर हम 22 को मानकर चलते हैं संख्या, और 22 को हम 10 बार जोड़ते हैं अर्थात 220 को जोड़ते हैं, ठीक है, 22 में, तो जुड़ करके यह 200 कितना हो जाएगा, 42 होगा, 262 नहीं, 64 नहीं होगा। तो 22 तो किसी भी हालत में नहीं है, गलत है, ये गलत है, मेरी तरफ से गलत काट दीजिए। 24 को अगर आप संख्या सोचेंगे और उसका 10 बार, मतलब 10 बार अर्थात 240 इसमें जोड़ेंगे तो 264 होगा, जो कि आपको देखो एग्जैक्टली दिया भी है। इस प्रश्न का उत्तर कन्फर्म एक 24 है, कोई डाउट ही नहीं मन में है ना तो दिमाग में है, प्रश्न का उत्तर 24 है। प्रश्न अच्छा है, प्रश्न में रिस्पांस भी आपका अच्छा ही है, और साथ साथ ये जो कन्फ्यूजन है उसको आपने क्लियर किया होगा। भरोसा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ये व्याख्या क्लियर हुई होगी, ये एनालिसिस आपको क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट आपका समझ क्लियर हो गया होगा। आपने क्या रिस्पांस किया है, आपने किस प्रकार का उत्तर दिया, आपने गलत गलत वाला दिया है, प्रिफर किया है सही वाला दिया है। अब गलत गलत है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, गलत गलत है, सही सही है, समझ रहे हैं, नहीं गलत सही है और सही गलत है, यह प्रश्न का सिस्टम है। आपने क्या रिस्पांस किया इसको जरूर बताइए। प्रतिदिन के पोल वेरिफिकेशन और पोल के पार्टिसिपेशंस में इन्वॉल्व रहिए, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, आपको समझ में आया तो रिस्पांस और प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए, जिससे कि हम भी मोटिवेट होकर के आपके लिए और अच्छे से इस एक्टिविटी को बढ़ा सकें और इस प्रोसेस को इन्वॉल्व कर सकें, अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें। मिलता हूँ नेक्स्ट पोल वेरिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।